हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अन अकेडमी के नीट यूजीकेएस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। हम यहाँ पर क्वेश्चंस का थॉरो रिवीजन करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स यहीं पर रिजॉल्व की जा सकें, यहीं पर हम सारा कुछ डिस्कशन कर लें। ओके, सो इस क्रम में मैंने अभी तक इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम में मॉडल पार्ट्स करा दिए हैं आप लोग को, पार्ट वन करा दिया, पार्ट टू भी करा दिया और आज मैं पार्ट थ्री कराने वाला हूँ। इस टाइम हम लोग पार्ट थ्री करेंगे, फिर शाम से हम लोग पी वाई क्यूज स्टार्ट कर देंगे। शाम को पी वाई क्यू पार्ट वन होगा 8 बजे आज, और कल पी वाई क्यू पार्ट टू और पी वाई क्यू पार्ट थ्री होंगे इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड। सो इस तरीके से हम इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 100 से 150-200 क्वेश्चंस तक हैंडल कर लेंगे। और 200 क्वेश्चन अगर हम किसी चैप्टर का कर लेते हैं तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप सभी लोग अगर इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको किसी नई किताब को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इस सीरीज़ में जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनके सोल्यूशंस अच्छे से देखिए, उनको एक बार वापस से प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर रखे हैं, जो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप वहाँ जाइए, वहाँ से इन सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड करके जैसे ये ख़त्म किया जाता है तुरंत के तुरंत उनको प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि तुरंत आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और दोबारा कभी नहीं भूलेंगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड सीरीज, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ये सभी के लिए फ्रूटफुल होगा जो 2020, 2021, 2022 सब में जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट रिवाइजिंग और डाउट क्लियरिंग टाइप का सेशन है। सो प्लीज़ इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और खुद भी इस सीरीज से लगातार जुड़े रहिए। ओके, सो लेट्स क्रैक इट। और आज का सीरीज शुरू करने से पहले हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि जैसे कि भाई मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तवा और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ ही साथ मेरी CSIR नेट में ऑल इंडिया रैंक 22 थी और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से मैं आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप इस समय अन अकेडमी से जुड़े हुए हैं जो कि इंडिया का सबसे अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ आपको इंडिया के सबसे अच्छे एजुकेटर्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ, क्वालिटी मटेरियल के साथ मिलते हैं एक ही स्क्रीन के सामने। सो अगर आपने अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ गो फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशंस। इसके साथ ही साथ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। उन बेनिफिट्स में क्या है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है उसके लिए आपकी लाइव टेस्ट और क्विजेस का भी यहाँ प्रावधान है, और आप गलती से कहीं भी कोई लेक्चर आपका मिस हो जाता है सो यू कैन गो फॉर द डाउनलोडेड वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, डाउनलोडेड वीडियो लेक्चर्स में आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी आपके कन्वीनियंट टाइम पे। ठीक है, सो यहाँ कोई भी इश्यू नहीं आएगा कि आपका सिलेबस पिछड़ रहा है, आपका ये वाला लेक्चर छूट गया, वो वाला लेक्चर छूट गया। आप डाउनलोडेड वीडियोस देख सकते हैं बहुत आराम से, और वहाँ भी आपको उतना ही समझ आएगा जितना यहाँ पर समझ आएगा। ठीक है, सो प्लीज़ गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन। और इसका अगर हम प्राइस देखें तो प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं कि 2 साल का प्लान आपको कितने कम दामों में मिल रहा है, 1 साल का प्लान आपको कितने कम दाम में मिल रहा है। तो 2 साल का प्लान सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ 2 साल के प्लान के लिए जाइए, नहीं तो कम से कम 1 साल के लिए तो जाइए ही जाइए, तभी प्रिपरेशन हो पाएगी। ठीक है, 1 महीने में कोई प्रिपरेशन होती नहीं है। ओके, और जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लीज़ ये कोड SHUBH लगाना ना भूलिए, इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो मैं फ्री वीडियोस बना रहा हूँ जिसको सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, मुझे ये वीडियोस और भी ज़्यादा बनाने का मौका मिलेगा। सो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है और आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं सो मेरे इस कोड को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी कोड को लगा के आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी। और ये कोड आप केवल नीट के प्रोग्राम के लिए ही नहीं, अन अकेडमी पे अवेलेबल किसी भी प्रोग्राम के लिए इस कोड को यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया है सो प्लीज़ अपने जानने वालों को इसके बारे में बताइए, और आपने अगर नहीं लिया है तो प्लीज़ इस कोड को यूज़ करके प्लस सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ इक्विलिब्रियम का पार्ट थ्री, और पार्ट थ्री कंटिन्यूएशन में है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इन द इक्विलिब्रियम SO2Cl2 गैसियस है, और ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, SO2 गैसियस और Cl2 गैसियस, 2000 केल्विन टेम्परेचर है और 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
ठीक है, कह रहा है परसेंटेज ऑफ सीएल टू परसेंटेज ऑफ एसओ टू बराबर 40-40 है, ठीक है। तो अब देखिए फॉर गैसेस वॉल्यूम परसेंटेज बराबर मोल परसेंटेज, ठीक है। गैसेस के लिए आप जो वॉल्यूम परसेंटेज लेके चल रहे हो वही मोल परसेंटेज लेके चलोगे। सो एट इक्विलिब्रियम, यहां सीधा सीधा इक्विलिब्रियम पे दे दिया है कि ये कितने भाई SO2 और Cl2 0.4% है, मतलब 0.4 पर है क्योंकि 40% का मतलब 0.4 होता है। सो भाई ये कितना होगा SO2 Cl2 0.2 होगा, ठीक है। ये इनका मोल परसेंटेज हो गया, यानी कि यही मोल फ्रैक्शन है। इसलिए पार्शियल प्रेशर्स क्या आ जाएंगे, इनके पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा, 0.2 × 10 ये कितना आ रहा है 2 एटमॉस्फियर, इसी तरीके से ये 4 एटमॉस्फियर और ये भी कितना आ रहा है 4 एटमॉस्फियर आ रहा है। तो भाई केपी क्या होता है, केपी क्या होता है अपना, केपी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एसओ टू इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एल टू डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ एसओ टू सी एल टू। सो उस हिसाब से ये हो जाएगा 4 × 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 8 atm। तो ये जो दी हुई इंफॉर्मेशन है इनके हिसाब से आपका केपी क्या होगा, 8 atm दिया हुआ है, ये तो बराबर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो फोर्थ हमको करेक्ट दिख रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सभी लोगों को समझ आया होगा कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया है, कैसे किया है एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा अगर किसी को नहीं समझ आया है। यहाँ जो वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ था, गुड आफ्टरनून एवरीवन, अभी मैंने देखा, गुड आफ्टरनून, है ना। तो वॉल्यूम परसेंटेज मोल परसेंटेज के बराबर होता है गैसेस के लिए, तो उसी फंडे को मैंने यूज़ किया। सो मोल परसेंटेज का मतलब मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन से फिर इसके बाद टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके मैंने पार्शियल प्रेशर निकाल दिया, और पार्शियल प्रेशर पता है तो हम केपी निकाल सकते हैं। सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ली चैटलियर प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू, तो इट इज बहुत क्लियर है ये कि ली चैटलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन लिक्विड एंड गैसियस सिस्टम्स, ठीक है। तो जहां पे लिक्विड और गैसियस सिस्टम होगा वहीं पर ये एप्लीकेबल होगा, है ना। सॉलिड के लिए वैसे भी यूनिटी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें देखो, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो इट मीन्स इट इज प्योरली सॉलिड सिस्टम। सो सॉलिड सिस्टम पे आप ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखो, ये गैसियस सिस्टम है, ये भी गैसियस सिस्टम है, ये भी गैसियस सिस्टम है, तो इन पे ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होगा। साथ ही साथ हाँ फरीद, वन होगा। एक चीज और जान लो ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में कि ली चैटलियर प्रिंसिपल में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट डालते हैं, लाइक कंसेंट्रेशन होता है, प्रेशर होता है ना, टेम्परेचर होता है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस होता है। तो इसमें भी सारे के सारे टर्म लिक्विड पे नहीं अप्लाई होते, कंसेंट्रेशन वाला लिक्विड गैस दोनों पे अप्लाई होता है, प्रेशर वाला लिक्विड पे अप्लाई नहीं होता, गैस पे अप्लाई होता है, टेम्परेचर वाला लिक्विड गैस दोनों पे अप्लाई होता है, इनर्ट गैस वाला देखना पड़ेगा हमें ना। तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड और गैसीय सिस्टम पे अगर एप्लीकेबल है तो सारे फैक्टर्स ही डिपेंड करते हैं। कुछ फैक्टर्स इसमें ऐसे भी होते हैं जिनमें ली चैटलियर प्रिंसिपल लिक्विड सॉल्यूशंस पे नहीं लगता है, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जैसे पूछ लेता कि प्रेशर कौन से सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेगा, तो अगर उसमें लिक्विड सिस्टम होता तो वो भी ली चैटलियर प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होता वहां पर। ओके, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 टू NO, ठीक है, KC इज इक्वल टू 2, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा। सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अब हम देख लेते हैं, अगर अल्फा होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर अल्फा होता है, देखो ये N2 है प्लस O2 है, एसोसिएट करके इन्होंने 2 NO बना लिया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये शुरू में C था, ये भी C था, तो ये जीरो रहा होगा। ओके, अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर हम अल्फा मानते हैं, ठीक है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर हम अल्फा मानते हैं तो ये C1 - अल्फा होगा, ये भी C1 - अल्फा होगा, और ये 2C अल्फा बनेगा, 2C अल्फा बनेगा। सो उस हिसाब से हमारा KC = 2 आ गया, जो कि 2C अल्फा का होल स्क्वायर होगा,
डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होगा. सो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा अपना 2 = 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर. तो ये देखें अगर तो हम इसको हम अंडर रूट 2 = 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा कर सकते हैं. सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पाएंगे कि ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 अल्फा = 2 अल्फा. इसको इधर ले जाएंगे तो 2 अल्फा + √2 अल्फा = √2 आ जाएगा, और √2 अल्फा कॉमन ले लो तो ये √2 + 1 = √2 हो जाएगा. √2 से √2 कैंसिल तो α = आ गया 1 upon √2 + 1. सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. आई होप सभी लोगों को समझ आया होगा कि ये सेकेंड ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ. ठीक है, ये काम हमने किया हुआ है यहाँ, और सिंपल जो फंडा होता है इक्विलिब्रियम का वो हमने अप्लाई कर दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन मान ली. ओके, सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव पीएच क्लोज टू 1. पीएच क्लोज टू 1 होने का मतलब हुआ कि माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन 1 हो रहा है. इसका मतलब हुआ कि जो एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है वो 10⁻¹ या कि 0.1 मोलर आनी चाहिए. ठीक है, सो लेट अस चेक कि किसके लिए 0.1 मोलर आ रही है. जिसके लिए भी 0.1 मोलर आ रही होगी उसके लिए पीएच 1 के क्लोज होगा. सो ऑप्शन नंबर 1 को हम सबसे पहले चेक करते हैं. 100 ml HCl है तो यहाँ H प्लस आयन के मोल कितने हो गए, मोल्स. सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे पहले ऑप्शन में. 100 × 5 दैट इज 20 मिलीमोल. और NaOH, OH माइनस आयंस के मोल्स कितने हो गए, ये भी 20 मिली मोल हो गए. तो यहाँ तो भाई न्यूट्रल सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन है तो ये पीएच होगा इसका 7, इसका पीएच 7 होगा. 55 ml, ऑप्शन 2 चेक करते हैं. 55 ml m/10 HCl तो H प्लस के मोल्स हो गए यहाँ पर कितने, 5.5 मिली मोल. ओके, OH माइनस के मोल्स हो गए कितने, 4.5 मिली मोल. सो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में मोल्स किसके ज़्यादा आएंगे, रिजल्टेंट में H प्लस के आएंगे, और कितने आएंगे, 0.1 मिली मोल आएंगे. और फाइनल वॉल्यूम, यहाँ फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा है, 100 ml हो रहा है. सो इस हिसाब से H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0.1 / 100 यानी कि 10⁻³ मोलर आएगी. सो यहाँ पर पी एच होगा 3. ओके, उसी तरीके से हम थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं. यहाँ पर HCl कितना है, H प्लस के मोल्स हैं 1 मिली मोल. ओके, और OH माइनस के मोल्स हैं कितने, 9 मिली मोल. सो 9 मिली मोल होने का मतलब भैया यहाँ पर रिजल्टेंट में OH माइनस होंगे, 8 मिली मोल होंगे. ओके, सो pH जो भी आएगा 1 तो नहीं आएगा. अब यहाँ देख लेते हैं, हाँ यार डी ही लग रहा है. अब तो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं. H प्लस के मोल्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 75 × 5 1/5 दैट इज 25 मिली मोल. और इसके आ रहे हैं N ऑफ OH माइनस आ रहे हैं कितने, 5 × 25 तो 5 मिली मोल आ रहे हैं. सो रिजल्टेंट अपना कितना हो जा रहा है, रिजल्टेंट हो जा रहा है 20 मिली मोल H प्लस. और वॉल्यूम कितना आ जा रहा है, वॉल्यूम आ जा रहा है 100 ml. ठीक है, सो ये आ जाएगा एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन लगभग आ जाएगा कितना, 20 / 100 तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.2 मोलर कम से कम. तो ये 0.2 मोलर आ रहा है, दिस इज क्लोजेस्ट वैल्यू टू 0.1 मोलर. तो हमारा फोर्थ ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, बिकॉज पीएच क्लोज टू 1 पूछा है, ये नहीं पूछा है कि पीएच 1 किसका होगा. सो क्लोजेस्ट वैल्यू कौन है आपका, ये है फोर्थ ऑप्शन. सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा. पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज KW = 10⁻³, सो व्हेन KW = 10⁻⁶, पीएच स्केल क्या हो जाएगी, पीएच स्केल आपकी KW पे डिपेंड करती है. अब जो है पीएच स्केल 0 से 16 तक हो जाएगी,
इस कंडीशन में जब के डब्ल्यू जी 0.,, ये क्या बोलते हैं 10^-16 होगा तो पीएच इसके लिए यहां हो जाएगी, तो 8 पीएच आएगा न्यूट्रल का। सो एट दिस टेम्परेचर पीएच 8 मतलब न्यूट्रल और पीएच ग्रेटर देन 8 मतलब बेसिक और पीएच लेस देन 8 मतलब एसिडिक। सो एट दिस टेम्परेचर पीएच 7.5 होने का मतलब हुआ कि सोल्यूशन इज एसिडिक। और एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है, तो ब्लू को रेड कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, इसको देख लेना सब लोग, नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। सबको आया ना समझ में ये कैसे होगा, है ना? दोनों चीजें लगी हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी लगा हुआ है, साथ ही साथ लिटमस पेपर पे कलर का चेंजेस का क्या इफेक्ट होता है ना। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड टू अ बफर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, क्या होता है? पीएच रेजिस्ट करता है ना अपने आप को, और पीएच कैसे रेजिस्ट करता है, CH3COH जो होता है ये ऐसे करता है, कल हम स्पेशल क्लास में समझाए थे, स्पेशल क्लास में समझाए थे कि HCl या फिर OH माइनस डालने से बफर का पीएच क्यों नहीं बदलता है। सो जब हम H प्लस डालते हैं ना, तो H प्लस डालते हैं, देखो प्रोडक्ट साइड में H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो Li-Chatier प्रिंसिपल से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, ठीक है। सो व्हेन HCl इज एडेड, HCl इज एडेड, रिएक्शन गोज बैकवर्ड, ये वाली रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। अब बैकवर्ड जाने का मतलब क्या हुआ कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH डिक्रीजेस, तो डिक्रीज करेगा तो भैया पहले जितने H प्लस थे वो और कम हो गए और जो तुमने H प्लस डाला वो बराबर उतने ही कर दिए, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, HCl डालने से डिसोसिएशन में कमी आती है जिससे अल्टीमेटली सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन है एज इट इज रह जाती है और इस तरीके से बफर अपना पीएच नहीं बदलने देता है, ठीक है। सो ये तरीका होता है। अब इसी में OH माइनस डालते हैं तब क्या होता है, OH माइनस तुम डाले H प्लस कंज्यूम हो गया, कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन का ये एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, सो फिर से H प्लस उतने ही आ जाते हैं। तो ये तरीका होता है जिससे बफर अपना पीएच मेंटेन रखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द पीएच ऑफ 10^-11 मोलर HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो ये चीज मैंने बताया है, सॉल्यूशन ऑफ HCl कैन नेवर बी बेसिक और न्यूट्रल, ये कभी हो ही नहीं सकता भैया, 10^-8 का पीएच 8 नहीं होता, तो वहां हम क्या कर लेते हैं, स्लाइटली लेस देन 7 होता है। और ये कैसे होता है, बिकॉज फॉर कंसेंट्रेशंस लेस देन और इक्वल टू 10^-6 मोलर ऑटो प्रोटोलिसिस या फिर इसको बोलते हैं क्या, सेल्फ आयोनाइजेशन, टेकन इन अकाउंट। कभी भी वो 10^-7 से कम होने नहीं देगा कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इसलिए स्लाइटली लेस देन होगा, लेकिन ग्रेटर देन 7 या इक्वल टू 7 तो कभी नहीं होगा। ये तो मार्क करके मत आना बिल्कुल भी भाई, ये तो एकदम गलत है ना, कभी नहीं होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ pH 4 एंड pH 6 आर मिक्स टुगेदर then the pH of resulting solution will be, ठीक है, equal volume, let us say V liter of each solution is taken, V liter दोनों का तुमने ले लिया, तो pH 4 में H plus ion concentration का मतलब क्या हुआ, 10^-4, इसलिए number of moles of H plus कितने हो जाएंगे, 10^-4 V। pH 6 का मतलब क्या हुआ, pH 6 का मतलब हुआ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बराबर कितना, 10^-6, 10^-6 का मतलब हुआ नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने हो गए, मोल्स ऑफ 10^-6 भी, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस
इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 10^-4v प्लस 10^-6v, कितना आ जाएगा ये 101v इंटू 10^-6 लिख सकते हैं इसको, 101v इंटू 10^-6, और रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2v, इसलिए एच प्लस आयंस कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 101v डिवाइडेड बाय 2v 10^-6, वी से वी कैंसिल, ये आ गया तुम्हारा 50.5 इंटू 10^-6। इम्प्लाइज दैट पीएच कितना आ जाएगा, पीएच कितना आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 50.5 इंटू 10^-6, यानी कि 6 माइनस लॉग 50.5, लॉग 50.5, ठीक है। सो लॉग 50.5 को अगर हम लेके चलें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लॉग 50.5 एक बार देख लेते हैं, लॉग 50.5 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 50.5, सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1.7, ये आ गया अपना 4.3। सो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसका पीएच कितना हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा ये मैंने कैसे किया है, नहीं समझ आया है तो आप प्लीज़ एक बार जो है रिवाइट करके देख लीजिएगा, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। भाई आपको कंसंट्रेशन चाहिए, और कंसंट्रेशन कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो आप उसको डायरेक्टली समेशन या डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन से नहीं निकाल सकते। सो आप उसकी करेस्पॉन्डिंग जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है लाइक नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, वो आप रिजल्टेंट के लिए निकालेंगे, रिजल्टेंट के लिए वो निकाल के फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो रिजल्टेंट का कंसंट्रेशन आ जाएगा। और रिजल्टेंट का अगर एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन पता है तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये तरीका था, तो 4.3 आंसर आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कॉजेज द चेंज इन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एट इक्विलिब्रिया। सो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट मोटे मोटे शब्दों में मैं लिख दे रहा हूं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज अफेक्टेड ओनली एंड ओनली, मैं लिख रहा हूं ठीक है, मतलब बहुत जोर दे रहा हूं उस चीज पे, ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, और कोई चीज नहीं है जो इसका बाल भी बाका कर सके, ठीक है। आप कंसेंट्रेशन बदलोगे, लीचेटली प्रिंसिपल वही बदले ना, इसके लिए ही लीचेटली प्रिंसिपल, प्रिंसिपल चेंज, प्रेशर चेंज करते हो तो प्रेशर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि वही रह जाए, कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो कंसंट्रेशन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि के वही रह जाए, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलता। टेम्परेचर की वजह, टेम्परेचर देखो तुम, अगर जिसने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी हो, अरहेनियस इक्वेशन पढ़ा होगा, के बदल जाता है टेम्परेचर से। सो देयर इज ओनली वन फैक्टर एंड दैट इज टेम्परेचर, जो के की वैल्यू को इफेक्ट डालेगा, ठीक है। सो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। करा वे केपी, द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन इज 5, तो यहाँ केपी 5 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, what will be the partial pressure of O2 at equilibrium when equal moles of SO2 and SO3 are present at equilibrium? So equilibrium पे क्या कह रहा है, what will be the partial pressure of O2 at equilibrium when equal moles of SO2 and SO3 are present at equilibrium? So let us see. ओके, हाँ देखिए, रिएक्शन है आपकी 2SO2 गैसियस प्लस ऑक्सीजन गैसियस गिविंग क्या चीज, 2SO3 गैसियस, है ना। तो इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर पूछा है, तो अगर इनके इक्वल मोल्स प्रेजेंट हैं, इनके इक्वल मोल्स प्रेजेंट हैं, सो पार्शियल प्रेशर इनका बराबर है, इनका पार्शियल प्रेशर अगर हम पी मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे, और इसका पी डैश मान लेते हैं, ठीक है। सो कह रहा है कि केपी 5 दिया हुआ है इक्विलिब्रियम, व्हेन इक्वल मोल्स ऑफ SO2
इफ देयर इक्वल मोल्स आर प्रेजेंट देयर पार्शियल प्रेशर विल ऑल्सो भी सेम, है ना, बिकॉज मोल फ्रैक्शन बराबर होगा तो इनके पार्शियल प्रेशर भी बराबर होंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में एक चीज थोड़ी सी गलत हो गई, देखते हैं रुको। के पी इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एसओ थ्री का स्क्वायर, एक से पार्शियल प्रेशर ऑफ एसओ थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ एसओ टू का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू, नहीं नहीं सही है। अब इनके सिंस मोल्स ऑफ एसओ टू एंड एसओ थ्री आर इक्वल, इसलिए देयर पार्शियल प्रेशर विल बी सेम, तो मतलब हम इसको कट कर सकते हैं। तो ये आ गया 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 का मतलब होता है 0.2, सो 0.2 इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ आया ये कैसे हुआ? इज एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ यार? चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए जी बी आर इज 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए जी बी आर, तो ए जी बी आर यार टूटता कैसे है? ए जी बी आर तो बहुत सिंपल है, 1:1 टाइप का सॉल्ट है, सो ए जी प्लस और बी आर माइनस में ये टूटेगा। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, एस है तो के एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सीधा सीधा कोई कॉमन आयन वगैरह नहीं है, एस स्क्वायर हो जाएगा। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, इसी को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, सो एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49, दैट इज 7, एंड 10 टू द पावर माइनस 10, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ओके मोल्स पर लीटर होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ये मोल्स पर लीटर है, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर है, ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है। और जब ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है सो मैं क्या करूंगा, इसको ग्राम पर लीटर में बदलूंगा, ग्राम पर लीटर में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू AgBr, AgBr का मोलर मास होता है 108 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 188 ग्राम पर लीटर होगा, ओके सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.316 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम पर लीटर। सो ध्यान रखिएगा ये जो लगाया जाता है ना, ये मोलर सॉल्युबिलिटी होती है, ये क्या होती है? मोलर सॉल्युबिलिटी होती है, इसको मोलर सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सो ऑप्शन में गच्चा खा जाओगे तुम लोग, ये भाई ये 7.5 10 टू द पावर माइनस 5 ग्राम पर लीटर मार्क करके चले आएंगे बहुत लोग। सो ध्यान रखिएगा व्हेन यू आर डीलिंग विद मोलर सॉल्युबिलिटी, केएसपी में जो फॉर्मूला लगाते हो ना तुम, वो मोलर सॉल्युबिलिटी होती है। सो अगर मोल पर लीटर ये ऑप्शन दिया होता तब करेक्ट होता, वरना आपको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मोलर सॉल्युबिलिटी में मोलर मास से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना परी, बहुत छोटी सी बात थी ना, ग्राम पर लीटर और ये मोलर सॉल्युबिलिटी है, तो मोलर सॉल्युबिलिटी से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन HgCl हैज मिनिमम सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट ठीक है, मोर द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, लेसर द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। सो यहां कॉमन आयन कितना है? यहां कॉमन आयन Ag प्लस है, तो यहां कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन 0.05 है, यहां पर Cl माइनस है, यहां पर Cl माइनस की कंसेंट्रेशन 0.02 है, यहां पर भी Cl माइनस है तो यहां पर 0.01 है, यहां कॉमन आयन है ही नहीं, यहां मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी यहां पर। सो मिनिमम कहां हो जाएगी? मिनिमम यहां हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे होता है कॉमन आयन कैसे इंपैक्ट डालता है, जरा हम दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लो ये AgCl है, AgCl Ag प्लस और Cl माइनस में टूटता है, ठीक है, तो इसका एक KSP है जो डिफाइन करता है, KSP इज नथिंग बट वही K है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KSP is nothing but equilibrium constant for a salt, sparingly soluble salt. अब मान लो हम Cl- डालते हैं, common ion डालते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? Common ion डालते हैं।
सो कॉमन आयन कंसेंट्रेशन यहां बढ़ाएगा, और कॉमन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी। कॉमन आयन के चलते रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी। और जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, सो ये रीजन होता है कि आप कॉमन आयन जितना ज्यादा डालोगे सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होती जाएगी? कम होती जाती है। सो इस हिसाब से हमारा कॉमन आयन का कंसेंट्रेशन, यहाँ कॉमन आयन कौन कौन हो सकता है? Ag प्लस और Cl माइनस। सो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन 0.05 है इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 0.02 है क्लोराइड की, और इसके अकॉर्डिंग है 0.01 क्लोराइड की। सो सबसे ज्यादा कॉमन आयन यहाँ पर है, इसलिए सॉल्युबिलिटी सबसे कम कहाँ होगी? इसी सोल्यूशन के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएच ऑफ एम अपॉन 10^100 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो टूटता है ऐसे Ca2+ + 2OH-, इम्प्लाइज दैट जो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ OH- आएगा दैट विल बी 2/100 मोलर आएगा। सो इस वजह से जो POH होगा वो क्या हो जाएगा? -log(2 + log)10^2। सॉल्यूशन करके देख लेना। सो ये जाएगा 2 - 0.3 यानी कि 1.7। सो इसलिए pH क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू 14 - POH। सो 14 - 1.7 विल गिव अप्रॉक्सीमेटली 12.3। सो द pH ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी 12.3 यानी कि ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोगों को यार समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? कोई आज रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। यस और नो कुछ तो बोल दो यार, से मेरा मोरल डाउन होता है यार। तुम लोग कोई रिप्लाई नहीं करते हो, खाली एक दो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएच ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 100 ml ये एंड 200 ml ये, ठीक है, वन नॉर्मल। तो पीएच पूछा है, सो इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वही मोलरिटी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो 100 ml 1 molar H2SO4 implies that number of moles of H2SO4 कितना हो जाएगा? 100 millimole हो जाएगा। तो number of moles of H+ ion कितना आ जाएगा? 200 millimole आ जाएगा। ओके, और 200 ml 1 molar NaOH का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- कितना आ गया? 200 millimole ही आ गया। सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है, और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? pH कितना होगा? 7 होगा। तो इसका pH कितना हो जाएगा? इक्वल टू 7। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 इज इतना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ इतना। तो कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। आई होप जिसको इंटरेस्ट रहा होगा वो पढ़ा भी होगा जाके एक बार। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया अगर तुमको आ गया ना, तो तुमको इक्विलिब्रियम की कोई प्रॉब्लम कभी गड़बड़ कर ही नहीं सकती। जैसे देखो BaSO4 अगर हम लिखते, सो BaSO4 कैसे लिखा जाता? BaSO4 ऐसे लिखा जाता, Ba2+ + SO4 2-। अब वहीं पर H2SO4 अगर है तो H2SO4 कैसे हो जाता है? 2H+ + SO4 2-। नॉर्मेलिटी 0.2 दी हुई है, तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 0.01 मोलर हो जाएगी। तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, यानी कि ये 0.01 मोलर होगा और ये भी 0.01 मोलर होगा, ये 0.02 मोलर होगा, सॉरी। इस हिसाब से अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी KSP हमको दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है 4 × 10^-7। हम सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं, मोलर सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं। तो भाई उस हिसाब से अब देखो, दो चीजें एक ही कंटेनर के अंदर, ये दो चीजें को एग्जिस्ट कर रही हैं सल्फेट, दो अलग अलग इक्वेशन के थ्रू। लेकिन मैंने कल क्या बताया था कि अगर दो चीज़ें साइमल्टेनियसली एक ही कंटेनर में, दो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, सो हम उनकी कलेक्टिव कंसंट्रेशन लेकर चलते हैं। एंड व्हाट विल बी द कलेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट
SbSO4 से और 0.01 कहां से, यहां से H2SO4 से, और यहां भी यही लिखा जाएगा, S लिखा जाएगा। सो हमको मेन मतलब इससे है। KSP का मतलब क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट होता है, और यहां पर आयनिक प्रोडक्ट ये होगा। KSP कितना है, 4 × 10⁻¹⁰ है, ये S इंटू एस प्लस 0.01 हो जाएगा। इसको हम एस स्क्वायर प्लस 0.01 एस लिख देंगे। एस स्क्वायर क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू 0.01 एस। सो अल्टीमेटली क्या आ गया, 0.01 एस इज इक्वल टू 4 × 10⁻¹⁰। इसका मतलब एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 × 10⁻¹⁸ मोलर। सो मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी 4 × 10⁻¹⁸। मोनी आप देखिएगा, आपने जो है 2 × 10⁻¹⁰ मार दिया, आपने सीधा सीधा एस स्क्वायर लगा दिया। तो मैंने बोला था ना, क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। यहाँ कॉमन आयन प्रेजेंट है, सो यू हैव टू कंसीडर फॉर द कॉमन आयन। ओके मोनी, तो ये होगा आंसर, 4 × 10⁻¹⁸ होगा, ना कि 2 × 10⁻¹⁵ होगा। और यहां से देखो एक चीज और जस्टिफाई हो जा रही है कि अगर ये H2SO4 या कॉमन आयन नहीं होता तब आपका सॉल्युबिलिटी 2 × 10⁻¹⁵ आता, लेकिन कॉमन आयन प्रेजेंट होने की वजह से 4 × 10⁻¹⁸ हो गया, ठीक है। और ये देखो आप, सॉल्युबिलिटी घट गई, नॉर्मलिटी को चेंज नहीं किया। चेंज नहीं भी किया होता तो 2 × 10⁻¹⁵ तो नहीं आता ना बेटा। तो आप प्लीज ध्यान रखिए कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, मैं बार बार बोलता हूँ, ये किसी को समझ नहीं आता है। ये जो बच्चे होते हैं ना 11th 12th में या पास आउट में, इनको इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ होती है जब दो चीजें एक साथ आ जाती हैं। सो इतने प्यार से बताया जा रहा, प्लीज समझ लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 2 नहीं होगा, फिर से तुम गलत कर रही हो, 2 नहीं होगा, कितना होगा, थर्ड ऑप्शन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 × 10⁻¹⁸। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये वाला 400 केल्विन पे इतना है और 600 केल्विन पे इतना है। सो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये देखो, इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है कि मतलब एट अ हायर टेम्परेचर, यहां से कंक्लूजन क्या निकला है कि एट हायर टेम्परेचर रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो कौन सी रिएक्शन होती है जो हायर टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि एंडोथर्मिक की रिएक्शन क्या करेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर कम करना चाहेगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर वो टेम्परेचर कम कर रही है तभी आगे जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर कौन कम करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो इस डेटा से ये क्लियर होता है कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। आई होप एवरी वन गॉट माई पॉइंट कि कैसे ये एंडोथर्मिक मैंने बताया। सभी लोगों को समझ आया एंडोथर्मिक कैसे है, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, 2 सैंपल्स ऑफ CH3COH ईच ऑफ 10 ग्राम वेयर टेकन सेपरेटली इन 2 वेसल कंटेनिंग वाटर ऑफ 6 लीटर एंड 12 लीटर रेस्पेक्टिवली एट 27 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3CO विल बी ओके ओके। सो एट सेम टेम्परेचर, K is equal to C alpha square for acetic acid, ये आप लोग जाके स्पेशल क्लास में देखिएगा, मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो अगर 6 लीटर लिया गया है, 6 लीटर, इन 6 लीटर अगर कंसेंट्रेशन C है, कंसेंट्रेशन C है, सो इन 12 लीटर सेम अमाउंट के लिए कंसेंट्रेशन क्या होगी, C/2 होगी। तो आओ हम लोग एक को अल्फा 1 मान लेते हैं, एक को अल्फा 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो K सेम रहेगा दोनों में, K सेम रहेगा दोनों में, सो K इज इक्वल टू C अल्फा 1 स्क्वायर, तो अल्फा 1 स्क्वायर हो गया अपना K बाई C। तो उसी तरीके से K इज इक्वल टू C/2 अल्फा 2 स्क्वायर होगा दूसरे वाले केस में,
सो अल्फा टू स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2k/c, यानी कि यहां से क्या कंक्लूजन निकला, अल्फा टू इज ग्रेटर देन अल्फा वन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी मोर इन 12 लीटर विसल। जब कंसेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, जैसे जैसे डाइल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंक्रीजेस, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। सेम टेम्परेचर पे कोई सोल्यूशन जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन उतना ही ज्यादा होगा। सो उस हिसाब से 10 ग्राम लिया गया है तो कंसर्न नंबर ऑफ मोल सेम है, 6 लीटर और 12 लीटर में 12 लीटर वाला लेस कंसेंट्रेटेड होगा, मोर डाइल्यूटेड होगा। सो जो मोर डाइल्यूटेड होगा उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगी। मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ आ गया होगा, सभी लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फॉलोइंग 3 गैसियस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर अकरिंग एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये तीन चीजें हो रही हैं, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ KP/KC, तो भैया यहां पर KP इज इक्वल टू, हम या क्या यूज करेंगे, KP इज इक्वल टू KCRT/ΔNg, है ना भाई। सो यहां डेल्टा एन जी अपना कितना रहा है, डेल्टा एन जी माइनस वन है। सो डेल्टा एन जी माइनस वन है तो KP/KC इज इक्वल टू 1/RT हो जाएगा। यहां पर डेल्टा एन जी कितना है, डेल्टा एन जी वन है, यहां डेल्टा एन जी वन है तो KP/KC क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। यहां पर डेल्टा एन जी देखा जाए तो जीरो है तो यहां KP/KC क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सो उस हिसाब से देखा जाए सो बी में सबसे ज्यादा है रेशियो, फिर इसके बाद सी में है और सबसे कम किस में है, ए में है। सो अपना सबसे ज्यादा बी में, फिर सी में, फिर ए में। सो ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट वन। आई होप ये वन ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ सभी को समझ आया होगा। मैंने क्या लगाया, KP=KCRT^ΔNg लगाया और डेल्टा एन जी से सारी चीजें देख ली। अब आरटी की वैल्यू तो कभी भी वन से ज्यादा ही आएगी ना यार, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन लेके चल रहे हो, है ना, और ये 1/12 है तो समथिंग ये ज्यादा ही आता होगा वन से। सो ये ऐसा ऐसा होगा, सभी लोगों को समझ आ गया होगा। बी में कैसे होगा, क्या चीज बी में कैसे होगा यार, क्या चीज बी में कैसे होगा बताओ। क्या फरीद, क्या चीज बी में कैसे होगा बताओ। देखो डेल्टा एनजी ये सब गैस होते हैं ना, तो डेल्टा एनजी 2 - 1, तो KP/KC इज इक्वल टू RT/ΔNg। सो KP/KC समझ गया ना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट AXBY विल बी रिप्रेजेंटेड मोस्ट सुटेबली इफ द सॉलिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय S। सो भैया AXBY जो तुम्हारा सॉल्ट है, AXBY सॉल्ट जो टूटेगा वो कैसे टूटेगा, वो टूटेगा XAY+ और YBX- पे टूटेगा। अगर मोलर सॉलिबिलिटी S है तो ये XS बनेगा और ये YS बनेगा, ओके। अब जो KSP है, KSP इज नथिंग बट आयनिक प्रोडक्ट। सो AY+ की कंसंट्रेशन पावर X, BX- की कंसंट्रेशन पावर Y, ये लिखा जाएगा। AY+ की कंसंट्रेशन क्या है, XS है पावर X, BX- की कंसंट्रेशन क्या है, YS है पावर Y। सो ये आ गया अपना X पावर X, Y पावर Y, S पावर X+Y, ठीक है। तो X पावर X, Y पावर Y, है ना, तो ये यानी कि ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन समझ आ गया ना सर कैसे हुआ ये, सभी को आया समझ में कैसे हुआ ये, ओके। बढ़ते हैं आगे, विच इज इनकरेक्ट, कंजुगेट एसिड ऑफ। तो कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लो HCl है, यहां Cl-H+ लिखते हो ना, तो ये एसिड है और ये क्या है, इसका कंजुगेट बेस है। अमोनिया, अमोनिया लिखते हो ना, अमोनिया में H+ डाल दो तो क्या हो गया, अमोनियम आयन हो गया। सो ये बेस है अगर, तो ये इसका क्या होता है, कंजुगेट एसिड होता है। तो कंजुगेट और एसिड और कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, या फिर बेस और जो कंजुगेट एसिड होते हैं, इनमें एच एच प्लस का डिफरेंस होता है। एसिड, जो भी एसिड होगा वो मोर होगा एच प्लस में, ठीक है,
एक एच प्लस का डिफरेंस होगा. सो कंजुगेट एसिड ऑफ एच टू ओ इज एच थ्री ओ प्लस, ये सही है. कंजुगेट बेस ऑफ एच सी ओ थ्री माइनस, हाँ तो ये कम है, ये भी सही है. कंजुगेट बेस ऑफ एन एच थ्री इज ये भी सही है. कंजुगेट बेस ऑफ एच ओ सी एल इज ये नहीं, केवल एक एच प्लस का डिफरेंस होगा. देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ ओनली वन एच प्लस, एक ही एच प्लस का डिफरेंस होना चाहिए. सो फोर्थ इज इनकरेक्ट, है ना, फोर्थ इज इनकरेक्ट. सो अपना फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये कंजुगेट नहीं. अ बफर सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन मैंने बता दी थी. सो गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ बफर. ठीक है, वीक एसिड प्लस इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ बनेगा. ये देखो, ये जो होता है ये भी बफर होता है. बफर में एक चीज और जान लेना कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज ऑल्सो बफर, बिकॉज इट्स पीएच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन, तो ये भी पीए बनाएगा. अमोनियम क्लोराइड हमने वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस है, तो ये ऑल ऑफ दीज आर फॉर्मिंग बफर्स. ओके, समझ आ गया ना सबको कि ये बफर कैसे है. हाँ भैया, सब लोग समझ गए ना, चले आगे. ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. ओके, तो आज हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पार्ट थ्री कर लिया. शाम को यूट्यूब पे 8 बजे हम इक्विलिब्रियम का PYQ पार्ट वन करेंगे. ठीक है, इसके साथ ही साथ अभी 4:30 PM से अनअकैडमी पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्विज. पीएच की क्विज होगी, पूरा का पूरा पीएच. कुछ क्वेश्चन यहाँ से होंगे, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से होंगे. सो मर्ज करके एक अच्छी क्विज मैंने बना रखी है 30-40 क्वेश्चन की. ठीक है, सो ऋषिका आप लोग अब वो वाली क्लास में भी आ जाइएगा, वहाँ थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और क्विज भी हो जाएगी. ठीक है, तो क्विज अभी 4:30 बजे से मैं वहाँ ऑन करूँगा, पीएच पे ही क्विज होगी. ठीक है, हाँ ऋषिका बोलो, कौन से क्वेश्चन में डाउट था बता दो, मैं बता दूंगा अभी. ठीक है, फिर हम लोग शाम को यूट्यूब पे ये स्टार्ट करेंगे. और हाँ, मैं स्पेशल कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ. स्पेशल कोर्स में मैं कंप्लीट रिवीजन कराने जा रहा हूँ. स्पेशल कोर्स में यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, स्पेशल बोल रहा हूँ, प्लस कोर्स पे कंप्लीट रिवीजन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. इन 10 डेज, ठीक है, 10 दिन में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों की. लास्ट फोर क्वेश्चंस. ये वाला समझ आया, बफर वाला, ये तो सही है, ये भी समझ आया होगा. अच्छा, ये वाला कह रही हो क्या, यस आर नो, ये वाला क्वेश्चन कह रही हो. ओके, देखो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा गया है आपसे कि फॉलोइंग 3 गैसियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन अकरिंग एट 27 डिग्री सेल्सियस. ये 3 रिएक्शन है जो 27 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है. करेक्ट ऑर्डर ऑफ केपी बाई केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, केपी बाई केसी का क्या ऑर्डर होगा, है ना. तो देखो केपी बाई केसी कैसे, आप ये जानते हो ना, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी पावर डेल्टा एनजी. ओके, सो आप अगर डेल्टा एनजी निकाल लेते हो तो आरटी तो जो भी आएगा, आरटी क्या आएगा, आरटी तुम्हारा 8.314 इंटू 300 आएगा ना, एंड आरटी इज ग्रेटर देन 1. आरटी इज ग्रेटर देन 1, आरटी की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो 27 डिग्री सेल्सियस पे हर केस में सेम है. सो अभी अगर हम यहां देखें, सो यहां नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स 2 है, यहां नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स 3 है, डेल्टा एनजी माइनस 1 आ गया. डेल्टा एनजी माइनस 1 रखोगे तो केपी बाई केसी आरटी पावर माइनस 1 को केपी बाई केसी हम 1/RT लिख सकते हैं. सिमिलरली यहां पर डेल्टा एनजी प्लस 1 आ रहा है तो केपी बाई केसी हम आरटी लिख सकते हैं, और यहां पर डेल्टा एनजी 0 आ रहा है तो केपी बाई केसी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं. तो अब ये बताओ, जो आरटी है ये ग्रेटर देन 1 है, तो हाईएस्ट वैल्यू तो बी के लिए हो गई केपी बाई केसी की.
अब वन और वन अपॉन आर टी में, अगर आर टी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो वन अपॉन आर टी तो लेस देन वन होगा ना, सो यानी कि ये वन, ये सी वाला केस बी से छोटा होगा लेकिन ए से क्या होगा, बड़ा होगा, ए वाला सबसे छोटा हो जाएगा। सो अब समझ आ गया, यस या नो करके बता दो, अब समझ आ गया ना ये क्वेश्चन कैसे हुआ, जल्दी यस और नो बोलो ना यार, तो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बोलो भाई, ठीक है ओके। तो इसी के साथ हम लोग आज का ये इक्विलिब्रियम पार्ट थ्री खत्म करते हैं। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि आप लोगों के लिए अनअकैडमी ने एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप लॉन्च की है जिसका नाम है अनअकैडमी प्रोडिजी, और इसमें आपके लिए 5 करोड़ से ज़्यादा का स्कॉलरशिप प्राइज रखा गया है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने आप को जाके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इसको रजिस्टर करें, अनअकैडमी प्रोडिजी में पार्टिसिपेट करें। यहाँ आपको एक नेशनल लेवल के बड़े एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको प्राइज मनी मिलेगी, और वो प्राइज आपको देने आएंगे खुद राहुल द्रविड़। सो प्लीज़ इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, और तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी जाके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करिए, और इस क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठने का मौका पाइए। और आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करता हूँ। सो 4:30 PM ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू प्ले अ क्विज ऑन स्पेशल क्लास एट अनअकैडमी। टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा पीएच, केवल और केवल पीएच के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? इजी, कठिन सर रजिस्टर नहीं होता है, हमने कई बार ट्राई किया था, तो मैं एक बार पता करके बताता हूँ कि क्यों रजिस्टर नहीं होता है, ठीक है? और बोल दूंगा टीम को कि आपको एक बार कांटेक्ट कर ले कि क्यों आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी ये सीरीज देखना शुरू किया है वो टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ जाके इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस एक बार और कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप लोग रेगुलर बने रहिए, स्पेशल क्लास होने जा रही है उसको रेगुलर अटेंड कीजिए, और मैं प्लस कोर्स पे कंप्लीट रिवीजन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री लॉन्च करने वाला हूँ। 10 दिन में आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कराऊंगा, सो प्लीज प्लस कोर्स अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ये कोड जरूर यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप ये कोड नहीं यूज करते हैं सो माइट बी ये फ्री सीरीज या मुझे वीडियो बनाने का मौका ना मिले, ठीक है? सो प्लीज अगर आप चाहते हैं, आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, तो प्लीज इस कोड को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जिंदा रह सकूं, ओके? सो मिलते हैं आप सभी लोगों से 4:30 PM अनअकैडमी पे, और 8 PM फिर से हम यूट्यूब पे मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, और अभी 4:30 PM फिर से हम पीएच का ही क्विज सीरीज खेलेंगे अनअकैडमी पे। सो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ आप लोग आइए ताकि हम इस ज्ञान की गंगा को और आगे बढ़ा सकें, ओके? तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए, और फीडबैक फॉर्म एक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में, अगर जिन लोगों ने नहीं भरा है उसको जाके प्लीज़ भर दीजिए, और वही टेलीग्राम लिंक से PDF डाउनलोड कीजिए, और इस कोड को जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए भाई, ठीक है? कल को आप लोग ये कोड नहीं शेयर करेंगे कोई और पढ़ाने आएगा, पढ़ते रहिए बस, ठीक है? अच्छे से पढ़िए, अच्छे क्वेश्चंस करिए, है ना? कोई कंसेप्ट अपना अधूरा मत छोड़िए, एकदम क्लैरिटी रखिए, डाउट्स कहीं नहीं होने चाहिए आप लोगों को, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते करिए। तो ठीक है, 4:30 PM क्विज के लिए मिलते हैं, और 8 PM मिलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, जाके ये PDF मैं वहाँ शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग उसको उठा सकते हैं, ओके? सो मिलते हैं 4:30